ये दो जग आपको दिए हुए हुए हैं। अभी उन दो जग में से एक की कैपेसिटी है 3 लीटर, ठीक, एक की कैपेसिटी है 4 लीटर। अभी आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि बिना किसी और मेजरमेंट का यूज़ करते हुए इनफाइनाइट वाटर सोर्स को समझ कर आपको इन दोनों में से कोई भी एक जग में आपको 2 लीटर पानी चाहिए। एक में कितना है? 3 लीटर। एक में कितना है? 4 लीटर का कैपेसिटी। हमको पानी भरना है सिर्फ 2 लीटर, एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। वो कैसे ला सकते हैं हम? तो देखो, समझ लो एकदम इजीली, ये 3 लीटर वाला है जग और ये 4 लीटर वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले ये 3 लीटर वाला जो जग है इसको पूरा का पूरा भर लेते हैं पानी से। अपने पास पानी का कोई शॉर्टेज नहीं है ऐसा मान लेने का है, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, बताइए। ये आपके पास अगर पानी भर लिया आपने ये पूरा 3 लीटर का, उसके बाद आप क्या करोगे? ये 3 लीटर का पूरा का पानी, पूरा का पूरा जग आप इसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। तो अभी ये क्या हो गया? खाली पूरा का पूरा, ये एम्प्टी हो गया, इसमें 0 हो गया। अभी इसमें कितना है? अभी फ़िलहाल 3 लीटर है। इसकी कैपेसिटी कितनी? 4 लीटर। मतलब अभी भी इसमें 1 लीटर पानी और जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी साइड में रखते हैं। ये जो रहा हमारा 3 लीटर वाला, इसको फिर से पूरा का पूरा भर देते हैं। 3 लीटर अपने पास पानी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब फिर से इसको 3 लीटर पूरा का पूरा भर दिया। अभी ये 3 लीटर के पानी को हम ये वाले जग में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि ये जग भर नहीं जाता। इसमें ऑलरेडी कितना था? 3 लीटर था, 1 लीटर की जगह बची थी। अभी इसमें से 3 लीटर मैंने भरा, ये 3 लीटर में से 1 लीटर मैंने यहाँ पर डाल दिया। कंडीशन मैंने क्या बोला? जब तक ये पूरा भर नहीं जाता तब तक। मतलब इसमें से 1 लीटर जी की जगह बाकी है, तो इसमें से 1 लीटर यहाँ जाएगा। और अभी इसमें बचा कितना? 3 में से 1 चला गया, 2 लीटर बच गया। आपको किसी एक जग में बोला था ना कि 2 लीटर पानी चाहिए, तो यहाँ पर आ गया 2 लीटर पानी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको ये बोला है कि, तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका खत्म हो गया। अगर ऐसा बोला है कि 4 लीटर वाले में 2 लीटर चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें 2 लीटर है, इसमें 4 लीटर, 4 लीटर वाला पूरा खाली कर देंगे और ये 2 लीटर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल। अभी देखते हैं कि इसको थियोरिटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, गोल स्टेट क्या है हमारा? 2 लीटर पानी चाहिए। कौन से वाले जग में? 4 लीटर वाले जग में 2 लीटर पानी चाहिए, ये हमारा गोल स्टेट है। कौन से दो जग है? 4 लीटर का और 3 लीटर का, दो जग है हमारे पास, ठीक है। अभी देखो, टोटल हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, मेन सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी है। कौन सी? एक ये देखो, फील आउट वन ऑफ द जग। सेकेंड पॉसिबिलिटी, आइदर एड एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स, एम्प्टी वन ऑफ द जग। और फोर्थ एंड लास्ट लास्ट पॉसिबिलिटी है ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल इट गेट्स फुल। समझाता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा, जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पर फिल आउट वन ऑफ द जग। अभी देखो, मान लो कि हमारे पास ये है, दो जग है, ये 4 लीटर और ये 3 लीटर। अभी इसमें से कोई एक मैं फुल भर दूंगा, पूरा का पूरा, कोई एक, आइधर ये एक्स और आइधर ये वाई, इन दोनों में से कोई भी एक मैं पूरा भर दूंगा। अगर मैं एक्स को पूरा भर देता हूँ, ये देखो क्या हो गया, एक्स और वाई मेरे दो जग हैं, उसमें से मैंने एक्स फुल कर दिया, तो क्या हो गया? 4 और वाई, वाई की कैपेसिटी, वाई को मैंने छुआ भी नहीं तो मेरे को मालूम ही नहीं कितना होगा उसमें, ठीक है। अगर एक्स को ना भर के मैं वाई को पूरा का पूरा भर दूँ तो क्या होगा? एक्स और 3, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, दूसरे कंडीशन में क्या होता है? आइदर एड एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स। हम लोग क्या कर रहे थे? कर रहे थे एक चीज़ कर रहे थे कि नहीं, कि हमने ये पहले क्या किया था कि मान लो हमने ये 3 लीटर वाला पूरा भर दिया, तो हम क्या कर रहे थे? ये 3 लीटर वाले को पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया? ये 0 हो गया और ये कितना हो गया? 3। इसी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3। देखो यहाँ पर किधर गया? हाँ, ये देखो एक्स वाई, मान लो कि हमने वाई में से पूरा का पूरा यहाँ पर डाल दिया, तो क्या हो गया? एक्स प्लस वाई, वाई में कितना था मालूम नहीं, जितना भी होगा उतना किधर डाल दिया? इधर पूरा का पूरा। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई? एक्स और वाई, हमने एक्स को पूरा का पूरा कहाँ डाल दिया? वाई में, वाई प्लस एक्स हो गया। ये दूसरी कंडीशन भी हो गई आपकी। अभी तीसरी कंडीशन देखो, एम्प्टी वन ऑफ द जग, दोनों में से कोई भी एक हम पूरा का पूरा वेस्ट मतलब गटर में डाल देंगे। ये देखो एक्स और वाई, अगर इनमें से मैंने एक्स को पूरा का पूरा मतलब एम्प्टी कर दिया तो क्या हो गया? 0। और वाई, अगर मैंने वाई को एम्प्टी कर दिया तो क्या हो गया? देखो ये वाला एक्स और वाई, वाई को एम्प्टी कर दिया तो क्या हो गया? एक्स और 0। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी लास्ट कंडीशन देखो, ट्रांसफर
ट्रांसफर फ्रॉम वन जग टू अनदर अनटिल वन गेट्स फुल। हम लास्ट स्टेप में क्या कर रहे थे कि जब तक 4 लीटर वाला जग पूरा भर नहीं जाता तब तक 3 लीटर वाले में से उसमें डाल रहे थे, कि वही कंडीशन है। ध्यान से देखो x, इसमें ये थोड़ा ट्रिकी कंडीशन है, ध्यान से देखो इसमें इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। x और y है तो हमने क्या किया, 4 लीटर वाला को पूरा का पूरा भर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लिखा। 4 लीटर वाला कौन सा, ये x वाला, देखो ये x वाला, ये देखो ये x वाला, ये अभी इसमें 4 लीटर वाला, हमको ये मालूम है कि ये 4 लीटर वाला पूरा का पूरा भर जाएगा तब तक जब तक हम इस तब तक हम ये 3 लीटर वाले में से इसमें ट्रांसफ़र करते रहेंगे जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। हमको मालूम है कि ये भर नहीं जाता तब तक हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। समझ में आ रहा है ना कि हमने ये समझ के ही चलना है ये वाले कंडीशन में कि हम दोनों में से कोई एक जग को पूरा भर ही देंगे। तो अगर हम x को समझ के चल रहे हैं तो x की वैल्यू पूरी हो गई 4। अगर हम ऐसे ही y के लिए समझे तो ये हो गया 3, क्योंकि y की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो हम मान लो इसमें यही मानना है कि कोई भी एक जग हम पूरा का पूरा भर ही देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर y माइनस 4 माइनस x, ये कंडीशन हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये वाला हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, y में से कितना पानी जाएगा। y इनिशियली y में कितना पानी हमको मालूम नहीं है, लेकिन कितना जाएगा वो तो हमको पता चल सकता है कि नहीं, कैसे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कंडीशन, पहले ही मैंने आपको जब मैं आपको समझा रहा था एग्जांपल के थ्रू तब मैंने आपको बताया था कि मान लो ये 4 लीटर वाला है, ये 3 लीटर वाला है। अभी ये 4 लीटर वाले में और ये 3 लीटर वाले में, 3 लीटर का पूरा भर के हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो ये 3 लीटर हो गया, ये हो गया था इनिशियली 0। उसके बाद फिर से 3 लीटर का फुल कर दिया तो अभी इसके इसमें फिर से 3 लीटर आ गया। अभी ये 3 लीटर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तब तक जब तक ये फुल नहीं हो जाता। जब ये फुल हो जाएगा 4 लीटर, पूरा का पूरा 4 लीटर हो जाएगा, तब इसमें कितना बचा होगा, सिर्फ 2 लीटर। वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कैसे, देखो 4 माइनस एक्स, पूरी कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 4 की, पानी था कितना उसमें, x जितना, जगह कितनी बची थी उसमें, x जितनी जगह बची थी। तो 4 माइनस x जितना पानी इसको चाहिए होगा, अगर इसको 4 माइनस x जितना पानी चाहिए तो कैसे, y माइनस 4 माइनस x, मतलब y में से इसको जितना पानी चाहिए उतना हम y में से डाल रहे हैं कि नहीं, इसको जितना पानी चाहिए हम y में से डाल रहे हैं, तो क्या हो गया, y माइनस कितना पानी चाहिए, 4 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आए तो मेरे को DM करना नीचे कमेंट सेक्शन में, बोल देना कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा से स्पेशली समझा दूंगा एक और वीडियो बना के। मतलब अभी तक इतना समझ लो कि यहाँ पर ख़त्म हो जाए, यहाँ पर समझ में आना चाहिए इतने में, ठीक है। अभी ये देखो ऐसा ही, ये दूसरा कंडीशन, मतलब उसी कंडीशन में अगर मान लो कि हम 3 लीटर वाले जग को पूरा भर रहे तब क्या होगा, x माइनस 3 माइनस y, मतलब y को 3 पूरा भरने के लिए जितना पानी चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 माइनस y जितनी रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, x में से, तो क्या हो गया, x माइनस 3 माइनस y, डन। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, x और y माने जग की कैपेसिटी अपनी, मतलब नाम दिया है ना हमने दोनों जगहों को, एक जग को दिया है x और एक को y, x की कैपेसिटी है 4, y की है 3, और यहाँ पर रूल अप्लाइड, माने कौन सा रूल हम लोग यूज़ करने वाले, देखते जाओ समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करना है, सबसे पहले तो ये रूल लिखने हैं और ये समझाने हैं सारे रूल, मैंने यहाँ पर लिखा इतने इतना मत लिख के आ जाना, एक एक रूल को एक्सप्लेन करना कि कौन सा रूल कब यूज़ करना है, ठीक है। अभी ये देखो ये सारे जग, मतलब ये 2 जग है मान लो, तो अभी कैसे हम यूज़ करेंगे, ये जग है x, ये है y, इसकी कैपेसिटी है 4, इसकी है 3। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ये वाले जग को पूरा का पूरा भर रहे थे पानी से, ये 3 लीटर हो गया पूरा का पूरा, तो कौन सा रूल हम देखेंगे, सिर्फ हम एक y को ही पूरा का पूरा भर रहे हैं, x को हम छू भी नहीं रहे, ठीक है। तो कौन सा हो गया यहाँ पर, 8 में से देखो कौन सा यूज़ कर सकते हैं, एक ये वाला देखो,
वाई मैंने पूरा भर दिया 3, एक्स वैसे का वैसा ही रहा, तो एक्स वैसे का वैसा रहेगा, वाई हो जाएगा 3। और रूल कौन सा अप्लाई किया, रूल नंबर 2। डन। अभी देखो अभी क्या करेंगे, तो ये जो है ये पूरा का पूरा पानी यहाँ पर डाल देंगे, माने वाई में जितना था वैल्यू पूरा का पूरा हमने पुट ऑन कर दिया एक्स में, माने एक्स प्लस वाई हो गया। कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो एक्स प्लस वाई और वाई क्या हो गया 0, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला, तो वाई हो जाएगा 0 और यहाँ पर होगा एक्स प्लस वाई। हमको नहीं मालूम एक्स में कितनी वैल्यू थी, अभी भी एक्स की वैल्यू अननोन है, तो एक्स प्लस वाई हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। डन। रूल कौन सा अप्लाई हुआ, ये वाला, तो रूल नंबर 3। ये ऐसे कर तो पता चलेगा कौन सा रूल है, अगर कुछ नहीं। अभी देखो अभी क्या करेंगे, हवन ऐसे नहीं, अभी यहाँ पर कितना हो गया 3 लीटर भर गया, हमको मालूम है मशीन को नहीं मालूम 3 लीटर भर गया, ठीक है, और ये पूरा खाली हो गया, ये एम्प्टी हो गया। अभी इसको फिर से भरेंगे 3 लीटर को, तो फिर से यही वाला रूल अप्लाई होगा 3, यहाँ पर फिर से एक्स प्लस वाई रहेगा ऐसे का ऐसा, और ये रूल कौन सा हुआ, रूल नंबर 2। डन। अभी क्या करेंगे, ये 3 लीटर हमने फिर से भर दिया, तो ये 3 लीटर को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कब तक, जब तक कि ये भर नहीं जाता पूरा। कब भरेगा वो, जब 4 हो जाएगा तभी भरेगा। तो ऐसा कोई रूल है अपने पास कि एक्स की वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू हाँ अभी 4 हो जाएगी और वाई की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी, ऐसे ऐसा कोई रूल है, तो ये देखो ये रहा 7 नंबर, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 और वाई की वैल्यू क्या हो गई, देखते हैं क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो गई 4, वाई की वैल्यू हो गई क्या 4, मतलब 3 था एक गया, कितना बचा 2। रोल कौन सा अप्लाई किया, 7। ओके समझ में आ रहा है। अभी हमको क्या बोला था कि 2 लीटर पानी चाहिए, 2 लीटर पानी तो आ गया लेकिन आया वाई में 3 लीटर वाले में, अपने को कौन से में चाहिए, 4 लीटर वाले में, तो मतलब एक्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये 4 लीटर वाला पूरा खाली कर देंगे, ये 4 लीटर जो हमने पूरा भरा वो कर देंगे एम्प्टी। तो एम्प्टी करने के लिए कोई रूल है, ये रहा किधर, ये रहा एम्प्टी करने के लिए, एक्स को एम्प्टी करने के लिए रूल है 5, रूल नंबर 5, उसमें हो जाएगा एक्स 0, वाई वैसे का वैसा माने 2। समझ में आ रहा है। अभी लास्ट देखो ये क्या करेंगे, वाई को डाल देंगे एक्स में, माने एक्स प्लस वाई पूरा का पूरा उलझ देंगे दूसरे जगह में, तो एक्स प्लस वाई ये रहा एक्स प्लस वाई और वाई हो जाएगा 0, वाई हो जाएगा 0, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा माने 2। और रूल कौन सा अप्लाई किया हमने, रूल नंबर 3। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट, ये जो है ये हमारा फाइनल स्टेट है। आपको एग्जाम में ऐसा दिखाना है कि ये हो गया भैया हमारा फाइनल डिजायर्ड स्टेट। समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और नीचे कमेंट कर दो कि भाई हाँ समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो सीधा मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन हो मैं सीधा अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे डाल दूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग ना अभी शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर तो थोड़ा सब्सक्राइब भी नहीं करो, 71% लोग जो वीडियो देख रहे हो वो सब्सक्राइब भी नहीं किए, तो सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत करो, टी शर्ट के रंग बदल रहे मेरे एक वीडियो बनाते बनाते।